नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CSAVLE हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप बैंक BC लेना चाहते हैं तो आपको बैंक मित्रा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अति आवश्यक है। जब तक CSAVLE बैंक मित्रा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक उनको बैंक BC नहीं मिलेगा। और आपको पता होगा कि 2021 में सभी CSAVLE को बैंक BC मिलेगा और उन्हीं VLE को बैंक BC मिलेगा जो बैंक मित्रा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किए होंगे। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि बैंक BC लेने के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और उसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, उसका लाइव प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा रजिस्ट्रेशन करके। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से हमेशा CSE से रिलेटेड अपडेट देते रहता हूं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग देख लेते हैं कि बैंक मित्रा पर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, लाइव प्रोसेस करके हम लोग देख लेते हैं। CSE बैंक BC लेने के लिए आपको बैंक मित्रा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, तभी आपको BC पॉइंट मिलेगा। ये जो सामने आपको दिख रहा है यही बैंक मित्रा का पोर्टल है। इस पोर्टल पर आने के लिए आप कोई ब्राउजर खोल लेंगे, गूगल ब्राउजर ही खोलिए। खोलने के बाद आप वहाँ टाइप करेंगे bankmitra.csecloud.in, तो ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। अब यहाँ आप देखेंगे VLE रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, आपको क्या करना होगा, यहाँ क्लिक करना होगा। तो आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ दिया है देखिए एग्जिस्टिंग और न्यू यूज़र। तो आप न्यू यूज़र हैं, आपने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो न्यू यूज़र पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अगर एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग में क्लिक करेंगे। चलिए मैं न्यू यूज़र हूँ तो मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख लेंगे यह कुछ डॉक्यूमेंट दिया गया है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होगा तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ डॉक्यूमेंट के रूप में हो गया कैंडिडेट या एप्लीकेंट का फोटो होना चाहिए जो 25 से 50 के बीच होना चाहिए। दूसरा है प्रूफ ऑफ ID एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड होना चाहिए या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट हो सकता है। इसका बैंक मित्रा सेंटर इनसाइड एंड आउटसाइड फोटो, यानी आप जहाँ बैंक BC खोलेंगे वहाँ उस दुकान के बाहर का फोटो एक लेना है और एक अंदर का फोटो आपको ले लेना है, ठीक है, जो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। वहाँ लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद सेविंग अकाउंट यानी बैंक अकाउंट होना चाहिए और कैंसिल चेक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है हायर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, आपका शिक्षा कहाँ तक है, अपने हायर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे आप, और ये जो अपलोड करेंगे 50 से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। अगला है IIBF सर्टिफिकेट, यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट स्कैन करके आपको डालना है। इसके बाद है पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल का ही स्कैन कीजिएगा। और लास्ट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी NOC यदि आपके पास है तो उसको भी क्या करेंगे, अपलोड यहाँ करेंगे। NOC तो बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं भी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बाद में NOC लगाना पड़ेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट को आपने देख लिया, ये सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रख लीजिए। इसके बाद फॉर्म अप्लाई करना शुरू कीजिए। चलिए हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आएगा। अब यहाँ आपको अपना CSE ID और पासवर्ड डाल करके साइन इन करना होगा। जैसे आप साइन इन करेंगे तो आप बैंक मित्रा के पोर्टल पर चले जाएंगे। तो चलिए मैं साइन इन कर लेता हूँ अपना ID और पासवर्ड डाल करके। यहाँ ID मैंने डाला और साइन इन करने के बाद यहाँ देख लीजिए यही बैंक मित्रा का पोर्टल है, यहीं पे आपको अपना BC के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 8 टर्म में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा, यानी 8 टर्म होगा, 8 पेज होगा, जिसको भरने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ जैसे ये पोर्टल खुल के सामने आएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका CSE ID और DGmail ID यहाँ दिखाएगा। अब यहाँ आप क्या करेंगे, आगे बढ़ने के लिए सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो प्रत्येक स्टेप आएगा भरने के लिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसके बाद यहाँ जैसे आइएगा तो यहाँ आपको मिस्टर या मिसेज चुनना है, जिनके नाम से, अगर मेल है तो मिस्टर चुनिएगा, फीमेल है तो मिसेज चुनिएगा।
तो यहाँ मैं मिसे चुन लेता हूँ। चुनने के बाद यहाँ से देन कंटिन्यू करेंगे, उसके पहले यहाँ नाम डालना होगा, ठीक है। किसके नाम से आप बीसी लेना चाहते हैं उसका नाम डालिए, नाम डालने का सेवन कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए पहला पेज कंप्लीट हो गया। अब यहाँ क्या करना है, आपको अपना पर्सनल डिटेल्स डालना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ सबसे पहले आपको फादर नेम डालना है, फादर नेम के बगल में आपको चूज करना है मैरिड है या अनमैरिड है वो चुन लेना है। इसके बाद आपको मेल या फीमेल जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर बगल में डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। फिर नीचे आइए, डेट ऑफ बर्थ के जस्ट नीचे मोबाइल नंबर डालना है आपको, अगर दूसरा मोबाइल नंबर है तो दूसरे मोबाइल को आप डाल लीजिए। इसके बाद यहाँ पर्सनल ईमेल आईडी आपको डाल देना है, आपका डीजीमेल आईडी तो ऑलरेडी दिखाएगा। फिर यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, फिर सेलेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर विलेज सेलेक्ट करेंगे, इसके नीचे आएंगे पिन कोड अपना डालेंगे, ठीक है। पिन कोड के बाद यहाँ आप क्या करेंगे, अपना स्टेटस सेलेक्ट कर, स्टेटस का मतलब हो गया कि आप किस सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, किस में इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, या ओनली आप सीएससी चलाते हैं सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो होगा आप यहाँ इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे कि आप क्या हैं, किस गवर्नमेंट में जॉब करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं या क्या, जो भी इसमें आपको अच्छा लगे देख लेंगे। लेकिन मैं ओनली सीएससी चलाता हूँ तो ओनली सीएससी में चुन लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से ओनली सीएससी में चुन लेता हूँ। इसके बाद यहाँ आएंगे आप, यहाँ बगल में देख लीजिए, यहाँ देख कैटेगरी यानी वह एसी है, एसटी है, ओबीसी क्या आप हैं वो चुन लीजिए, ठीक है। चुनने के जस्ट नीचे आप आएंगे रिलीजन माने धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या धर्म है अप्लीकेंट का, तो धर्म यहाँ पे चुन लेंगे, ठीक है। चलिए अगर मुस्लिम है तो इस्लाम चुन लेंगे, मैंने इस्लाम यहाँ हम चुन लेते हैं। इसके बाद यहाँ बगल में इस्लाम चुन लिए। चुनने के बाद यहाँ बगल में आइए, आपको फिजिकली हैंडीकैप देना है कि कैंडिडेट जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड है यानी यस नो में आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आइए, नीचे आइए अब यहाँ देख लीजिए प्रूफ ऑफ एड्रेस आप क्या दे रहे हैं, इसमें ओनली आधार कार्ड दिया तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इसमें आप क्या कीजिए, देख लीजिए पेन कार्ड है, वोटर आईडी है, क्या है उसमें आप डाल देंगे। तो पेन कार्ड मैं डाल देता हूँ, पेन कार्ड ले लीजिए, वैलिड होता है पेन कार्ड। और प्रूफ ऑफ एड्रेस जो एड्रेस प्रूफ में दिए हैं उसका नंबर यहाँ डालना है, ठीक है, नंबर डाल लेना है, जो भी एड्रेस प्रूफ उस नंबर को डाल लीजिए। इसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इसमें क्या करें, जो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपने डाला है उसका नंबर इसमें आप डाल लीजिए, ठीक है। इसका नीचे आइए, अब उसका क्या करना है, आपको फोटो अपलोड करना है, जो भी एड्रेस प्रूफ है, इसके बाद आईडी प्रूफ है, और जो अप्लीकेंट का फोटो है उसको यहाँ क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। यानी एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ और कैंडिडेट का फोटो, तीन चीज़ आपको यहाँ अपलोड करना होगा, ठीक है। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप क्या करेंगे, पेन कार्ड या नहीं वोटर कार्ड डालेंगे, एड्रेस प्रूफ में वोटर कार्ड डाल देंगे, और आईडी प्रूफ में आधार कार्ड डाल देंगे, और कैंडिडेट का फोटो डाल करके यहाँ सेव इन कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए मैं फटाफट सब कुछ भर लेता हूँ और सेव इन कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप सेव इन कंटिन्यू कीजिएगा तो इस पेज पर आ जाइएगा, अगले पेज पर आ जाइएगा। यहाँ आपको बीसी सेंटर का डिटेल्स डालना है, जहाँ बीसी लेना चाहते हैं उस सेंटर का डिटेल्स आपको यहाँ भरना है। सबसे पहले आपको एरिया सेलेक्ट करना है, अगर देहात होगा तो रूरल और शहर होगा तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, फिर विलेज आपको सेलेक्ट कर लेना है, विलेज के बाद यहाँ आप सीएससी का एड्रेस डालेंगे, जहाँ आपका सेंटर है उसका फुल एड्रेस लिखेंगे। यहाँ एड्रेस के लिए लाइन वन और लाइन टू दिया गया है, इसमें आप फुल एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। सीएससी जहाँ आपका सेंटर है, जहाँ बीसी आप लेंगे उसका एड्रेस डालेंगे, ठीक है। एड्रेस डाल लेने के बाद यहाँ पिन कोड डालेंगे, पिन कोड डालने के बाद नीचे देखिए लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालना है। यदि आपको नहीं पता है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो आप क्या करेंगे, यहाँ गेट लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो दिया है गेट, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा अपना एड्रेस डालने के लिए, उसको डालकर फाइंड करेंगे। चलिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अब यहाँ देखिए फाइंड का ऑप्शन आ गया है। यहाँ एड्रेस फुल भर देंगे, एड्रेस पिन कोड के साथ भरेंगे तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी जहाँ आपका सीएससी सेंटर है उसका सही सही एड्रेस भरिएगा पिन कोड के साथ, तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब इस लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखिए यहाँ आ गया है, इसको कॉपी कर लेना है और दोनों को कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है।
तो यह आसान तरीका है लेटीट्यूड और लॉन्गीट्यूड पता करने के लिए। चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। लेटीट्यूड मैंने पेस्ट कर दिया, इसका लॉन्गीट्यूड को पेस्ट करेंगे, इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ आपको क्या करना है, इमेज डालना है, ठीक है। जो CSE सेंटर है उसका इनसाइड का इमेज और आउटसाइड का इमेज दोनों यहाँ अपलोड करना है, ठीक है। तो इनसाइड और आउटसाइड का इमेज अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ आपको बैंकिंग डिटेल्स डालना है, ठीक है। जिस बैंक का BC लेना चाहते हैं उसका डिटेल्स और अपने पर्सनल बैंक का डिटेल्स डालेंगे। तो यहाँ जिस बैंक का BC लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले अपने DM से बात कर लीजिएगा कि अभी आपके एरिया में किस बैंक का BC मिल रहा है। जैसे अभी IDBI का मिल रहा है तो IDBI सेलेक्ट करेंगे, पता कर लेंगे, वही बैंक आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो DM से पहले पता कीजिए कि आपके एरिया में किस बैंक का BC मिल रहा है, वहीं आप सेलेक्ट कीजिएगा। पता करने के बाद ही आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ ब्रांच नेम सेलेक्ट करेंगे, बैंक सेलेक्ट करने के बाद ब्रांच ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ आप क्या करेंगे, ब्रांच के बाद डिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो बैंक जो चुने हैं उसका दूरी आपका CSE सेंटर से, आपके CSE सेंटर से कितना किलोमीटर है। चाहे जो भी है आप ख्याल रखेंगे कि आपके CSE सेंटर की दूरी 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो कभी अप्रूव नहीं होगा। तो जो भी हो आप 10 से कम डालेंगे, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस डाल देंगे, डिस्टेंस के बाद आप यहाँ क्या करेंगे, अपना पिन कोड डालेंगे, ठीक है, नहीं IFSC कोड डालना है, IFSC कोड डाल देंगे, ठीक है। यहाँ अपने बैंक का डिटेल्स डालेंगे, अपने सेविंग अकाउंट का नंबर डालेंगे, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक का अकाउंट नंबर आप डालेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि जिस बैंक का आप BC ले रहे हैं उसी बैंक में अकाउंट आपका होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका किसी बैंक का अकाउंट हो उसका अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे, चाहे वो स्टेट बैंक का हो, पंजाब बैंक का हो, किसी बैंक का हो अकाउंट, यहाँ अकाउंट नंबर आप डालेंगे, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि जिस बैंक का BC लेते हैं उसी का अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद IFSC कोड डालिए, डालें IFSC कोड डालने के बाद यहाँ बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, जिस बैंक का अकाउंट है बैंक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ बैंक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, बहुत सारा बैंक है, टोटल बैंक यहाँ दिया गया है, जो इस बैंक का आपका अकाउंट है अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ आप क्या करेंगे, कैंसिल चेक, उसी बैंक का जिस बैंक का अकाउंट है उसका कैंसिल चेक यहाँ अपलोड करेंगे, ठीक है। जिस बैंक का आपने अकाउंट नंबर दिया है उसी बैंक का आपके पास चेक होना चाहिए, कैंसिल चेक यहाँ अपलोड करेंगे। अपलोड कैंसिल चेक करने के बाद, अपलोड करने के बाद आप यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ चलिए मैं सब कुछ भर लेता हूँ, भरने के बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपको अपना लेटेस्ट क्वालिफिकेशन डालना है, यहाँ देख लेंगे आप IAC किए हैं, ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा किए हैं, क्या किए हैं आप चुन लेंगे। चुनने के बाद यहाँ बगल में देखिए आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, अगर स्कूल पास है तो स्कूल का नाम, कॉलेज से है तो कॉलेज का नाम, डिप्लोमा किए हैं तो उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ भरेंगे, ठीक है। अपने इंस्टीट्यूट का नाम भर देंगे। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम भरने के जस्ट बाद यहाँ पासिंग ईयर चुनेंगे, पासिंग ईयर चुनने के बाद यहाँ बगल में आप स्ट्रीम चुनेंगे, स्ट्रीम का मतलब होता है कि आप साइंस आर्ट कॉमर्स क्या पढ़े हैं वे चुन लेंगे, ठीक है, स्ट्रीम चुन लेंगे। स्ट्रीम चुनने के बाद यहाँ आपके पास IABF सर्टिफिकेट है या नहीं आप यस कर देंगे, अगर है तो और होना ही चाहिए, और वह सर्टिफाइड है या नहीं इसमें भी आपको यस चुनना है। इसके नीचे आएंगे, इसमें आपको पैन कार्ड नंबर डालना है, और पैन नंबर डालने के जस्ट नीचे आपको पैन कार्ड अपलोड करना है, पेन कार्ड अपलोड कर देंगे। और इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने क्वालिफिकेशन का, हायर क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ सेव एंड कंटिन्यू है, आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं सब कुछ भर करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, अपने हार्डवेयर की जानकारी देनी है। सबसे पहले यहाँ आपको कंप्यूटर टाइप सेलेक्ट करना है कि आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, तो लैपटॉप हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद बगल में आएंगे नेटवर्क स्ट्रेंथ, यानी आपके पास कैसा नेटवर्क है ये सिलेक्ट करना है, गुड है, वेरी गुड है, कैसा है, तो आप यहाँ वेरी गुड सेलेक्ट कीजिएगा, यानी आपके एरिया में कैसा नेटवर्क रहता है, जो भी हो आप वेरी गुड ही सिलेक्ट करेंगे, तो वेरी गुड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ बगल में नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसा है, यानी आप जो नेटवर्क कनेक्ट करते हैं वह लैंडलाइन है या मोबाइल से कनेक्ट करते हैं या डाटा कार्ड से कनेक्ट करते हैं, किससे आप नेटवर्क कनेक्ट करते हैं यह सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद बगल में दिया है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कौन है, यानी आपके पास जो नेटवर्क है किसका है, एयरटेल का है, BSNL का है या आइडिया का है, रिलायंस का है, वोडाफोन किसका है,
आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, किसका आप नेटवर्क लिए हैं, आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ बगल में आएंगे, आपको फ़ोन नंबर फॉर ISF दिया हुआ है, ये आपको डालने की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो आप बगल में आ गए, फिंगरप्रिंट डिवाइस, आपके पास कौन सा फिंगरप्रिंट है, मॉर्फो है, मंत्रा है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस होगा सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बगल में आएंगे, उस फिंगरप्रिंट का मॉडल नंबर यहाँ आपको डालना होगा, जैसे मॉर्फो होगा तो मॉर्फो का मॉडल नंबर डालिए, मंत्रा का मॉडल नंबर डालिए, उसको डालिए। इसके बगल में आइए, अब यहाँ उसको डालने के बाद यहाँ देख लीजिए, अब आपका जो दिया गया है यहाँ माइक थी हैंड हेल्ड डिवाइस अगर आपके पास है, जैसे माइक्रो ATM जो भी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये सब जो दिया गया है, तीन को जो दिया गया है, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें माइक्रो ATM डालते हैं तो उसको आप क्या करना होगा, किस कंपनी का है उसको सेलेक्ट करना होगा, और नीचे आकर के आपको इशू डेट आपको सेलेक्ट करना होगा, इशू डेट आप सेलेक्ट करेंगे, किस डेट में वो इशू हुआ है वह डेट आप सेलेक्ट करेंगे। इशू डेट में जनवरी फरवरी जो भी हुआ आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अगले पेज पर आप आ जाएंगे। चलिए हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, अदर इन्फॉर्मेशन भरना है। आप सबसे पहले देख लीजिए यहाँ बैंक नेम HDPQ दिया है, इसमें आपको क्या करना है, किसी एक बैंक को चुन लेना है, ठीक है, किसी एक बैंक को आपको चुनना है। चुनने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ बगल में आइए, यहाँ आपको नियरेस्ट ब्रांच चुनना है। नियरेस्ट ब्रांच मैंने ये जो बैंक आपने चुना उसका नियरेस्ट ब्रांच कहाँ है, ब्रांच चुन लेंगे। ब्रांच चुनने के बाद यहाँ डिस्टेंस फ्रॉम HDFC ब्रांच, जो ब्रांच नेम आप चुने हैं उसका डिस्टेंस क्या है, आप यहाँ डिस्टेंस चुन लेंगे। डिस्टेंस चुनने के बाद उसका IFSC कोड ऑलरेडी आ जाएगा। इसके बाद नीचे देखिए लिखा है BC हैज एग्री लैंड और नियर बाई विलेज, तो इसमें आपको यस चुन लेना है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आइए, नंबर ऑफ BC स्टाफ 8 BC लोकेशन, यानी आपके पास कितने स्टाफ हैं, तो इसमें चुन लीजिए 4-5-6 से जो भी आप स्टाफ चुन लीजिए। इसका बगल देखिए नंबर ऑफ ईयर्स रिसाइडिंग इन द विलेज, यानी आप उस गांव में कितने साल से रह रहे हैं, तो 20-25-50 जो भी आप इसमें चुन लेंगे। इसका यहाँ आएंगे प्रेमिस टाइप, यानी जमीन किस प्रकार का है, आपका खुद का है या रेंट पर है, तो ऑन खुद का होगा तो ऑन जोड़ेंगे और किसी और का होगा भाड़ा पर होगा तो रेंटल कर देंगे। इसका नंबर ऑफ डिपेंडेंट, यानी कितने लोग आप पे आश्रित हैं, ये भरना है, 2-4-10 जो भी है लोग आप पे आश्रित है भर दीजिए। इसके बाद यहाँ आइए, आर यू एम्प्लॉयड, यानी यहाँ बगल में वहाँ चुन लेने के बाद यहाँ आते हैं, आर यू एम्प्लॉयड दिया है, क्या आप एम्प्लॉय हैं, तो यस नो में आप कर देंगे, जो भी आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं आप जो कर देंगे। इसके बाद यहाँ रेफरेंस देना है, रेफरेंस का मतलब दो व्यक्ति का नाम देना है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर देना है और रिलेशन आपको लिखना है, दो व्यक्ति का नाम कॉन्टेक्ट और रिलेशन आपको इसमें भरना है, ठीक है। और भरने के बाद नीचे देखिए रिप्यूटेशन इंजॉयड इन द विलेज, इसका मतलब आपका रिप्यूटेशन कैसा है गाँव में, तो जो भी हो आप गुड लिखिएगा, रिप्यूटेशन आपका कैसा है। इसका पास्ट एक्सपीरियंस रिप्यूटेशन गुड भर देंगे। इसके बाद यहाँ आएंगे और दिया है पास्ट एक्सपीरियंस, यानी आपका किसी और बैंक के साथ कोई एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, तो आप देंगे या शनो में करके अपना अनुभव बता देंगे कि आपका किसी और बैंक के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, गुड बैड। इसके बाद यहाँ पुनः सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल करके सामने आएगा। अब यहाँ आपको अपने फॉर्म को रिव्यू कर लेना है, चेक कर लेना है कि आपने जो भरा है वह सही है या गलत है। प्रत्येक पर आप क्लिक करेंगे, एक एक करके सारे फॉर्म को, सारे सबमिशन को आप देख सकते हैं और पता कर सकते हैं आपने जो भरा है कि यह सही है गलत है। आप पहले सब कुछ चेक कर लेंगे, ठीक है, सब कुछ आप चेक कर लेंगे, बढ़िया से चेक करके देख लेंगे कहीं गलत तो नहीं हुआ है। सब कुछ चेक करने के बाद सबको पुनः सेव कर सकते हैं, ठीक है। और जब सेव हो जाएगा, सब कुछ चेक कर लेंगे, तो यहाँ टर्म एंड कंडीशन पर एग्री करेंगे, एग्री के बाद यहाँ सब इन कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए क्या होता है, आर यू एग्री टू फाइनल सबमिशन, तो आप यस पर क्लिक कर देंगे कि अगर हम एग्री हैं सबमिशन के लिए, तो यस पर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। यहाँ जैसे सबमिट करते हैं तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ वेट टिल अप्रूव्ड, आपको यहाँ कुछ देर वेट करना है, आपका डिटेल्स अप्रूव हो जाएगा तो आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं BC के लिए,
बैंक मित्रा पोर्टल पर। काफ़ी आसान तरीका है, आप ध्यान से इसे करें। अब देखिए यहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करके रख लेना है ताकि फ्यूचर में आप क्या करेंगे, अपने स्टेटस को चेक करेंगे इसी रेफरेंस नंबर के द्वारा कि आपका बीसी पॉइंट अप्रूव हुआ या नहीं। ठीक है, तो कैसे आपको चेक करना है अपना स्टेटस, आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो इस तरह आप अपना बैंक बीसी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।